आशा को इस प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया जाए या फिर निशा को कानूनी रूप से आपकी बेटी साबित करने का इंतजार किया जाए। नहीं नहीं वकील साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप आज ही आशा को इस प्रॉपर्टी की मालकिन बना दीजिए। देखा साक्षी तुमने, कल तक तुम जिस बेटी का पक्ष ले रही थी उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी, आज देख लिया उसका असली रूप। ना लालच भरा हुआ है उसके मन में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम प्रदयाल वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। घिरे जो जिंदगी कभी,
जिस पल तेरा नाम लूं पल मुस्कुराए वही, मायूसियों में घिरे जो जिंदगी कभी, जिस पल तेरा नाम लूं पल मुस्कुराए वही, सागर में लहरें जैसे मधुबन में हिरने जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम, आसमां में बादल जैसे आंखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम, तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम, तू ही आदि है तू अनादि है सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू तुझसे संसार है, तेरे नाम की जोत जलाओ आज माता की चौकी सजाओ, तू ही आदि है तू अनादि है सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू तुझसे संसार है, माता की चौकी सजाओ, माता की चौकी सजाओ। मैं इस घर में फिर से एक बार प्रवेश कर रहा हूं मां, अब देखना कील कुमार कैसे इस घर में प्रवेश करके इस घर की खुशियों को तहस नहस कर देगा। मैं जानता हूं मां कि आप मेरी निशा के रास्ते में रोड़े जरूर अटकाएंगे, इसीलिए मैं स्वयं आ रहा हूं मां आपके साथ आमने सामने का खेल खेलने, और अब निशा अकेली नहीं रहेगी मां, साक्षी को उसके खिलाफ करने के लिए अब मैं भी उसके साथ काम करूंगा, बस इसी प्राण के साथ मैं साक्षी के जीवन से आशा को निकाल फेंकूंगा। बस इसी प्राण के साथ मैं गृह प्रवेश करता हूं। बेटी, अब तुम इन सबको ये माता का प्रसाद बांट दो। जी पंडित जी। माँ प्रसाद। पापा प्रसाद। बड़ी माँ प्रसाद। ताई जी प्रसाद। ताई जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, क्योंकि मैं आपसे बिना पूछे आपके कमरे में गई और आपके सामान को इधर उधर रख दिया। मुझे माफ कर दीजिए,
मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे तुम्हारी शक्ल तक पसंद नहीं, इसलिए मेरे आसपास मत आया करो। अब जाओ यहाँ से। भाभी भाभी देखिए, मैं जानती हूँ कि इसने गलती की है, मगर भाभी मेरा विश्वास मानिए, ये आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी, ये तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। भाभी भाभी देखिए, इससे गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए। साक्षी अब बस भी करो, तुम सब कुछ जानती हो और तब भी मुझे समझा रही हो। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ साक्षी, मैं इस लड़की की परछाई भी अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती। माफी की तो बहुत दूर की बात है। सविता भाभी, आपकी नाराजगी आशा से है ना, माता रानी से तो नहीं? इस तरह माता का प्रसाद लौटाया नहीं करते, इससे उनका अपमान होगा ना। लीजिए प्रसाद, लीजिए लीजिए। साक्षी, तुम रुद्र और आशा के साथ भंडारे में जाकर प्रसाद बांटने का काम संभालो, मैं और सविता भाभी किचन में जाकर देखते हैं कि कोई चीज कम तो नहीं पड़ी। जी आइए भाभी, मेरे साथ आइए आप, आइए। बेचारी आशा, सविता ताई ने बहुत कुछ सुना दिया ना आज तुझे। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था मेरी प्यारी प्यारी बहन। आशा, मैं जानती हूँ कि तू सविता भाभी की बातों की वजह से दुखी है। देख बेटा, उनकी बातों का बुरा मत मान, वो दिल की बुरी नहीं है। मैं जानती हूँ माँ कि ताई जी ने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं। आप चिंता मत कीजिए, मुझे उनकी एक भी बात का बुरा नहीं लगा, मैं ठीक हूँ। मेरी आशा बहुत समझदार होगी। चल आशा, सब इंतजार करें, प्रसाद बांट। अरे ये निशा कहाँ है, दिख नहीं रही? मैं यहाँ हूँ माँ। ये देखो निशा, बेटा जल्दी करो, देखो सब लोग इंतजार करें प्रसाद बांटने में, हमारी मदद करो। हाँ हाँ माँ, जल्दी कर, हाँ सब इंतजार करें। हाँ माँ, इंतजार तो खत्म हो ही जाएगा क्योंकि अब मेरे दादू जो यहाँ आ चुके हैं, और अब देखना वो तुम सब से हमारी जिंदगी बर्बाद करने का हिसाब लेंगे। मैं जानती हूँ भाभी कि आप आशा को विष्णु भैया की मौत का जिम्मेदार मानती हैं, लेकिन आशा जैसी बच्ची के साथ नाराज होना या उससे नफरत करना सही नहीं है भाभी। जो कुछ भी हुआ है उसमें आशा की कोई गलती नहीं है, और वैसे भी भाभी हम इतने सालों के बाद फिर से एक हुए हैं, क्यों ना सब कुछ भुलाकर फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। मैं अपने बीते हुए कल को नहीं भुला सकती, और उस लड़की को कभी माफ नहीं कर सकती। और वैसे भी मेरा दिल तुम्हारे दिल की तरह इतना महान नहीं है जो अपनी पूरी जिंदगी एक सौतन के साथ गुजार दे। मैं उसे कभी भी अपनी बेटी नहीं मान सकती। साक्षी हाँ? यहाँ तो सबको खाना मिल गया।
अभी और कोई? पापा, मेरे ख्याल से उस तरफ कुछ लोग बैठे हैं, उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। आशा, तू एक काम करना, वहाँ पे ना कुछ लोग बैठे हैं, तो उन्हें पूरियां बांट कर आ, तब तक मैं मिठाई बांटती हूँ। ठीक है। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मैं मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था, मैंने आपको डरा दिया। मैं मदर से मुझे भूख बहुत लगी थी, मैं पूरियां चाहिए थी, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मैं चले जाना चाहिए। क्या हुआ आशा, तू चीखी क्यों? मामा, वो आदमी बहुत गंदा था, उसके हाथ और पांव से कीड़े निकल रहे थे। माँ, कीड़े? कहाँ कीड़े? इंसान के शरीर पे कीड़े? मुझे तो यहाँ कोई कीड़े नजर नहीं आ रहे। आशा, तू कौन से कीड़ों की बात कर रही है? यहाँ पे कोई कीड़े नहीं। वो भी ना, खामखा उस आदमी से डर गई, वो बेचारा तो खुद ही यहाँ से डर के चला गया। माँ, वो बेचारा आदमी यहाँ माता की चौकी में प्रसाद खाने आया था और बिना कुछ खाए पिए चला गया। हमें उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए ना। बाबा यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकते, उन्हें हम ऐसे भेज नहीं सकते। तुम दोनों यहीं रहो, लाओ। बाबा सुनिए, बाबा रुकिए, बाबा आप ये प्रसाद लीजिए। बाबा रुकिए, बाबा देखिए, आप ये माता की चौकी में आए हैं और इसे बिना प्रसाद लेकर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बाबा कम से कम प्रसाद तो लेते जाइए। सोचना शुरू करता हूँ तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शांत हो जाए अंकल, बेटा मुझे काम करो, अंदर लेकर जी। आइए अंकल, आइए, आप सब लोग बैठे बैठे बैठे। आप ये देखिए, आप हैं, ये मैं हूँ, हमारा पूरा परिवार है भैया। भैया आप पहचानिए, याद करने की कोशिश कीजिए ना भैया। ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ, बाकी याद नहीं आ रहा मुझे कुछ। आ,
मेरा सर फट रहा है, ये दर्द सहन नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, फट जाएगा मेरा सर, मुझे ऐसा लगता है। शांत हो जाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सब ठीक है, सब ठीक है। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, और ऐसे सवाल पूछकर इनकी हालत और खराब हो सकती है। अर्जुन, इन्हें हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें, क्या पता वहाँ पर इनकी हालत में कुछ सुधार हो जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सबके बीच रहेंगे तो शायद सबको जल्दी पहचान जाए। और मैं कल ही अपने न्यूरो सर्जन से बात कर लूंगा, आफ्टर डूइंग द केस स्टडी तो देखते हैं क्या होता है। आप इन्हें अंदर ले जाइए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं तो यहाँ किसी को पहचानता भी नहीं। मामा जी आप बैठिए, मामा जी आराम से बैठिए। मामा जी, ये घर आप ही का है और हम सब लोग आपके अपने हैं मामा जी। मामा जी चलिए ऊपर चलकर आराम कीजिए, आइए आराम से उठिए। अब मैं चलता हूँ, कोई जरूरी बात होगी तो मुझे फोन कीजिएगा। शिल कुमार, आशा मामा जी को ऊपर लेकर जा। ये आदमी तो सच में बहुत गंदा है, और वो कीड़े जो मैंने देखे थे, पर मैं ये बात किसी से कह भी तो नहीं सकती। आशा बेटा सोच क्या रही है, ऊपर ले जा। मामा जी जाइए इसके साथ। चलो मेरे बच्चे, मुझे जल्दी से, मुझे कमरे तक ले चलो मेरे बच्चे। मामा जी संभालिए, संभालिए मामा जी, संभालिए मामा जी। ये क्या कर रही हो आशा? बेटा आराम से, मामा जी बहुत कमजोर है, जा उनको आराम से ऊपर लेके जा, सहारा देकर उनके कमरे तक। तू एक काम कर, तू दूसरा काम देख ले, नानू को ऊपर कमरे तक मैं छोड़कर आती हूँ। नहीं निशा, मैं नानू जी को छोड़कर आती हूँ, आप रहने दीजिए। आराम से चलिए, आराम से मामा जी। नमस्ते मामा जी, कैसे हैं आप? मेरे बच्चे, मुझ पर एक मेहरबानी कर दो, मुझे जल्द से जल्द मेरे कमरे तक पहुंचा दो। पीड़ा हो रही है। माँ जी। हाँ बेटा। ये उत्तम मामा सबको ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे किसी को पहचानते ना? उत्तम भाई की याददाश्त जा चुकी है, वो हमें से किसी को भी पहचान नहीं पा रहे हैं। अचानक वो हमें गरीबों के बीच खाना खाते हुए मिल गए हैं। एक एक करके घर में सब लौट आए हैं।
काश तुम्हारे बाबूजी और मेरा बेटा विष्णु भी वापस आते। इतनी जद्दोजहद करके मैं हारने के लिए मृत्यु लोक पे नहीं आया हूं। तुम्हारी जगह इस फर्श पे नहीं, उस मंजिल पे जहां मैं तुम्हें पहुंचाना चाहता हूं। तुम्हारी यादें, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा दिल, इन सब पर अगर किसी का अधिकार है तो वो सिर्फ प्रभु, तुम्हारे प्रभु शील कुमार जी का है ना माया। मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। फिलहाल आपको मेरे काम कर रहा है, कुछ तैयारियां करनी है। विष्णु के आने वाली नई पत्नी के स्वागत की तैयारी, दुर्गा को खत्म करने वाली वो चुड़ैल रक्ता के आगमन की तैयारी। तपस्या के बाद ये वरदान मिला है माया कि मैं किसी भी चीज में अपने आप को चेंज कर सकता हूं, तब्दील कर सकता हूं। इस घर की जो खुशियां वापस लौटी हैं, उसमें ग्रहण लगाने के लिए शील कुमार वापस आ गया। पिछली बार भी वो इस घर को बर्बाद कर चुका है माँ, और इस बार भी वो किसी ऐसे मकसद से यहां आया है। मैं जानती हूं माँ कि वो याददाश्त खो जाने का सिर्फ ढोंग कर रहा है। माँ, पिछली बार मैंने उसका साथ देकर बहुत बड़ी गलती की थी, और उसी गलती का पश्चाताप करने के लिए मैं इस बार उसका असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। मां, मुझे शक्ति देना। अरे निशा, इधर आ, ये ले प्रसाद। मैं देख रही हूँ कि तू कब से सबको प्रसाद बांट रही है, और प्रसाद बांटने में तो इतनी मगन हो गई कि खुद तो प्रसाद खाना ही भूल गई। हाँ माँ, काम के चक्कर में मैं भी भूल गई कि मैंने आज प्रसाद ही नहीं लिया। लाइए, ये ले। आशा, ये ले प्रसाद। मैं प्रसाद खाऊं या नहीं? क्या हुआ आशा? माँ, मैं ऊपर जाके नहा कर आती हूँ, उसके बाद प्रसाद खाऊंगी। अरे भला प्रसाद खाने के लिए नहाने की क्या जरूरत है? और देख, तू सुबह पूजा से पहले नहा चुकी है ना? माँ पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं पहले ऊपर जाके नहा कर आती, उसके बाद प्रसाद खाऊंगी। आशा, ये अचानक इस लड़की को हो क्या गया? मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, यही ना कि
आशा यूं अचानक प्रसाद छोड़कर क्यों चली गई? मैं जानती हूँ माँ कि आशा ने इस घर में काफी साल बिताए हैं और काफी कुछ सहा है उसने, लेकिन आज तक उसने कभी भी गरीबों के साथ समय नहीं बिताया। और फिर उत्तम नानू की तबीयत भी तो खराब है ना, और शायद उनकी ये हालत देखकर वो बिचारी आशा घबरा गई हो। क्या निशा जो कह रही है वो सच है? क्या सचमुच मेरे आशा के मन में गरीब अमीर जैसी कोई भावना है? क्या मामा जी से उसे घृणा लगी? नहीं नहीं, आशा ऐसा नहीं सोच सकती है। मैं जानती हूँ कि उसका मन बहुत साफ है और उसके दिल में कभी किसी के प्रति ऐसी भावना आ ही नहीं सकती। माँ आप क्या सोचने लगे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मेरी आशा को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं मानती हूँ कि उसने कभी भी गरीबों के साथ समय नहीं बिताया है, मगर निशा, जिन मुश्किलों से तुम गुजरी हो ना, उन्हीं मुश्किलों से हमारा जीवन भी बीता है, इसलिए मैं जानती हूँ कि वो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकती है। उसके मन में कभी ऐसी बात आ ही नहीं सकती। कर लो जितनी चाहे तारीफ अपनी इस प्यारी सी बेटी की, क्योंकि अब ये सब कुछ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बहुत जल्द तुम खुद उसे गलत कहोगे। माफ कर दीजिए माता रानी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उत्तम नानू तो मेरे बड़े हैं, मुझे उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। पर माता रानी, जब उत्तम नानू के शरीर से मैंने उन कीड़ों को निकलते हुए देखा तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए माता रानी, क्षमा कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उनके साथ। मुझे क्षमा कर दीजिए। आशा, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? क्या मैं बड़ी माँ को वो उत्तम नानू वाली बात बता दूँ या नहीं? आशा, क्या सोच रही है तू? मैं तेरी बड़ी माँ हूँ ना, तो फिर मुझे नहीं बताएगी? बड़ी माँ, आज जो मैंने उत्तम नानू के साथ बर्ताव किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बर्ताव? आशा, मुझे खुल के बताना बेटा, क्या हुआ? बड़ी माँ, जब मैं प्रसाद देने के लिए उत्तम नानू के पास गई तो मैंने देखा कि उनके हाथ और पैर से बहुत सारे कीड़े निकल रहे थे। उसके बाद जब मैं उनको उनके कमरे तक छोड़ने गई तो उनके हाथ से और कीड़े निकलने रहे। मैं बहुत डर गई बड़ी माँ, और मैंने अपना हाथ हटा लिया। बड़ी माँ, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं तो ये बात किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि किसी ने ये सब कुछ नहीं देखा और मेरा कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बड़ी माँ। तो शील कुमार ने अपना काला जादू दिखाना शुरू कर दिया। अब ये और न जाने क्या क्या करने वाला है इस घर में। आशा को भी नहीं बता सकती कि जो उसने देखा वो सब कुछ सही था, कुछ समझ भी तो नहीं पाएगी वो। लेकिन मैं आशा को शील का निशाना नहीं बनने दूंगी, नहीं बनने दूंगी।
क्या हुआ साक्षी, किस बारे में सोच रही है? आशा के बारे में सोच रही थी। आशा के बारे में? पता नहीं क्यों कुछ दिनों से आशा का बर्ताव कुछ बदल सा गया है। मुझे उसे उम्मीद नहीं है कि उसने दान करने से मना कर दिया। मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई? शील कुमार, मैं जानती हूँ कि तुम नाटक कर रहे हो और तुम्हारा राज जानने के लिए मैं तुमसे बिल्कुल वही पुरानी माया बनकर मिलूंगी जो तुम्हारे हर पाप में तुम्हारा साथ देती थी। तुम मुझसे अपना असली चेहरा छिपा नहीं पाओगे और तुम्हारा मकसद जानती हूँ, मैं तुम्हारा असली चेहरा सब घर वालों के सामने दिखा दूंगी। यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो कौन है आप? प्रभु जी, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं माया हूँ। प्रभु जी, मैं ही तो थी इस घर में जिसने आपका साथ दिया। प्रभु जी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना ढूंढा। प्रभु, मुझे फिर से अपने चरणों में जगह दे दीजिए। प्रभु, मैं आपके हाथों माता के हार देखने के लिए कब से बेचैन हूँ। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। मैं जानती हूँ प्रभु, अगर आप इस घर में वापस आए हैं तो किसी बड़े मकसद से आए होंगे। प्रभु, मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपका कितना इंतजार किया। मुझे मालूम है प्रभु कि आप इस घर के लोगों को बुलाने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन प्रभु मुझे इस बात का दुख है कि आपने मुझे भी नहीं पहचाना जिसने इस घर के लोगों की बर्बादी और माता रानी के खिलाफ आपकी लड़ाई में आपका साथ दिया। आपने उस माया को भी भुला दिया प्रभु, आपने मुझे अपना साथी नहीं माना। मेरे बच्चे, उठो, आ, आ, उठो, उठो। मेरे बच्चे, ये तो बात है कि मुझे सुनकर प्रसन्नता हुई कि आप मुझे अब भी इतना मानती हैं, लेकिन मेरे बच्चे, मैं वाकई में नहीं जानता कि आप किस संदर्भ में बात कर रही हैं। मैं वाकई में आपको नहीं जानता, लेकिन अगर आपने जो कुछ भी मेरे अतीत के बारे में कहा, अगर वो सच है, मैं बहुत हैरान परेशान हूं। क्या वाकई में मैं इतना बुरा इंसान था? क्या इंसान इतना बुरा हो सकता है मेरे बच्चे कि अपने फायदे के लिए वो इस हद तक जा सकता है, इतने बुरे काम कर सकता है? कितनी गलत बात है ये सब कुछ मैंने किया है, तो जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो ठीक ही है। मेरे बच्चे, माता रानी ने मुझे मेरे सारे कर्मों की सजा दे दी। देखो मेरे बच्चे, अगर मेरी याददाश्त वापस आ भी गई, मैं माता रानी के चरणों में प्रायश्चित के तौर पे अपने प्राणों के बलिदान। ए माँ, मुझे ये सब सुनने से पहले उठा क्यों नहीं लिया? जब मैं कुछ याद करने की कोशिश करता हूँ मेरे बच्चे, मेरा सर दर्द से फटने लग जाता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मेरे बच्चे, मैं एकांत चाहता हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मुझे कुछ देर के लिए अकेला एकांत
क्या इसकी याददाश्त सच में जा चुकी है या ये फिर मुझे अपने इस नाटक से बेवकूफ बनाकर भटकाने की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चे, मुझे बहला फुसला कर कुछ राज उगलवाने आई थी। शील कुमार से राज उगलवाने आई थी। इतने साल शील कुमार के साथ रही, पहचान नहीं पाई। शील कुमार को वश में करना इतना आसान नहीं है। मुझे तुच्छे लोगों के साथ मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी डायरेक्ट उनके साथ वन टू वन लड़ाई है। चरणों में दासी बन के रहना चाहती, कोई बात नहीं, आपकी ये छवि पूरी कर दूंगा। शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, उम्मीद करता हूं इस बार भी बड़ा मोहरा बन के उभरेंगी आप और जीत यकीनन शील कुमार की होगी। शील कुमार विजय भव, शील कुमार विजय भव। अभी तो हमारे इस घर में खुशियां आई हैं और खुशियां आती हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ, इतने सालों से लड़ते लड़ते मैं थक चुकी हूँ माँ। अब और हिम्मत नहीं है माँ मेरे अंदर, इसलिए अब आप ही कुछ कीजिए माँ। मेरी इस उलझन को, इस परेशानी को अब आप ही दूर कर सकती हैं माँ। सिर्फ आप। माता की कथाएं जीवन के हर दुख का समाधान, आप धन्य है माँ, आपने इतनी आसानी से मुझे समझा दिया। मेरी परेशानियों का हल भी आपने बता दिया माँ। मैं समझ गई हूँ माँ कि मुझे क्या करना है। आपका लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। नानू आपने नाश्ता तो किया होगा ना? नहीं मेरे बच्चे, मैंने नहीं किया। ये लीजिए। नानू नहीं, नानू नानू आप नहीं जा सकते। नानू ऐसा